हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एडवांस एक्सेल टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो एडवांस एक्सेल टिप्स है, मतलब कुछ शॉर्टकट कमांड्स है जिसको आप यूज़ करके एक्सेल में बहुत ही फास्ट आप अपना वर्क जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो शॉर्टकट टिप्स है वो है किस तरह से आप एंटर डाटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट देन एंड। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंड को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो एंटर डाटाबेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद में सेकेंड टिप्स में हम सीखेंगे किस तरह से आप कॉलम्स को ऑटोफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉलम्स को ऑटोफिट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट ओ देन सी देन ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। अब दोस्तों, नंबर 3 पे हम देखेंगे किस तरह से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जूम इन करने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट डब्ल्यू देन जी। जब आप ऑल्ट डब्ल्यू जी प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे जूम इन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर से जूम आउट करने के लिए दोस्तों आपको प्रेस करना है ऑल्ट डब्ल्यू देन जी। जब आप ऑल्ट डब्ल्यू जी प्रेस करेंगे तो वो फिर से जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे नंबर फोर में हम सीखेंगे किस तरह से आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रेस करना है ऑल्ट ए देन एम। जब आप ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी सारे फील्ड्स है वो यहाँ पे नजर आएगा आपको। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कौन से कलम में से आपको डुप्लीकेट्स हटाना है। तो जैसे कि पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अनसेलेक्ट ऑल, और उसके बाद में जिस कलम से आपको डुप्लीकेट्स को हटाना है उस कलम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम, तो मुझे स्टूडेंट्स नेम से डुप्लीकेट हटाना है तो स्टूडेंट्स नेम को सिलेक्ट करना है देन ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। तो इस तरह से दोस्तों आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 5 पे हम देखेंगे किस तरह से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो कर्सर रखना है कौन से कलम पे आपको शॉर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, उस कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी देन एस। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप सिलेक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं या तो कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन, और उसके बाद में शॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट बाय स्टूडेंट्स नेम। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ए से लेके जेड तक, या तो जेड से लेके ए तक, या तो आप अपना कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद में ओके पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ए टू जेड लेते हैं हम, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो शॉर्टिंग है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको फिल्टर लगाना है तो फिर से आपको डाटाबेस को सिलेक्ट करना है, और नंबर 6 पे आप देखेंगे फिल्टर आपको किस तरह से लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए दोस्तों आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी देन एफ देन अगेन एफ। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक फिल्टर जो है यहाँ पे लग चुका है, और आप इस फिल्टर के हेल्प से आप किसी भी एक कैटेगरी या एक रिकॉर्ड्स को आप सर्च करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, या तो आप फिल्टर को आप हटा भी सकते हैं। फिर से वापस आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी देन एफ देन एफ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, टिप्स नंबर 7 पे हम देखेंगे किस तरह से आप फ्री स्पिन का यूज कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट कमांड से। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जिस रो को फिक्स रखना है उस रो के नीचे पे आपको कर्सर को प्लेस करना है, और उसके बाद में आपको प्रेस करना है ऑल्ट डब्ल्यू देन एफ देन एफ। तो जब भी आप ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका फ्री स्पिन बन चुका है, और आप आसानी से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, और आपका जो एरिया है वो फिक्स्ड ही रहेगा। लेकिन अगर आप फिर से वापस फ्री स्पिन को हटाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है अगेन ऑल्ट डब्ल्यू देन एफ देन एफ, तो आपका फ्री स्पिन जो है वो हट जाएगा। इसी तरह से टिप्स नंबर 8 पे हम देखेंगे किस तरह से आप रिबन को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल F1। जब आप कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रिबन जो है वो हाइड हो चुका है, और फिर से वापस कंट्रोल F1 प्रेस करने से रिबन जो है वो अनहाइड हो जाएगा। अब दोस्तों, एक्सेल टिप्स नंबर 9 पे हम देखेंगे किस तरह से आप आपका जो प्रीवियस लिस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं ऑलरेडी, अभी यहीं से और एक नेम हमको यहाँ पे फिर से वापस लिखना है।
तो अगर आप इसी लिस्ट में से उसको चूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रेस करना है ऑल्ट देन डाउन एरो। जब आप ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका लिस्ट जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और आप यहाँ से स्क्रॉल करके आसानी से किसी भी नेम को आप फिर से वापस यूज कर सकते हैं। तो क्लिक करने से वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको आपको रिपीट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों टिप नंबर 10 पे हम देखेंगे किस तरह से आप एक शीट से दूसरी शीट पे जा सकते हैं, और दूसरी शीट से तीसरे शीट पे जा सकते हैं, और फिर से वापस शीट 1 पे आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर बिटवीन द शीट्स आप जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड से किस तरह से जा सकते हैं। अब मान लीजिए बिटवीन द शीट्स आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पेज अप। अगर कंट्रोल पेज अप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जितने सारे शीट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता रहेगा, लेकिन कंट्रोल पेज डाउन जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जितने भी सारे शीट्स है वो वहां पे जाएगा, लेकिन फिर से वापस अगर आप कंट्रोल पेज अप करते हैं तो फिर से वापस वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और कंट्रोल पेज डाउन करने से वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिटवीन द शीट्स आप जा सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड के हेल्प से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।